यो सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट हॉरर गेम, आइस स्क्रीम वन। और गाइस, नॉर्मली आइसक्रीम होता है लेकिन इस गेम का नाम है आइस स्क्रीम। तो देखते हैं कैसा ये गेम है। मुझे लगा था कोई ये अच्छा गेम होगा लेकिन ये एक हॉरर गेम है। सो स्टार्ट करते हैं इस वाली गेम को। और वीडियो को देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऑल राइट गाइस, गेम स्टार्ट हो चुका है हमारा। टेक अ लुक अराउंड बाई स्लाइडिंग अ फिंगर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, नो लुक एट द विंडो एंड प्रेस द इंटरैक्ट बटन। विंडो तो हमारी इस साइड है, ठीक है। इंटरैक्ट बटन आ रहा है, इसको प्रेस करते हैं। वो सामने एक आइसक्रीम अंकल है गाइस, उसकी वैन के अंदर, और एक बच्चा उनसे आइसक्रीम लेने आ रहा है। आई थिंक गेम का नाम आइसक्रीम है लेकिन वैन के ऊपर आइसक्रीम लिखा है। ठीक है, ओ भाई यार, इसने बच्चे को जमा दिया। आई थिंक इसने हमें भी देख लिया। शिट, ओ भाई अब लगता है हमारे पास भी आएगा। ओ, उसने तो उसे अपने वैन के अंदर डाल लिया। दैट बॉय नीड्स योर हेल्प, फाइंड अ रोप इन द ड्रॉर्स टू गेट डाउन इन द स्ट्रीट। ठीक है, वो मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया था। और ड्रॉर्स में देखते हैं, इस वाले ड्रॉर में तो कुछ भी नहीं है, नीचे वाले मतलब। यस, इसमें मिल गया। और भी ड्रॉर्स चेक कर लेते गाइस, और भी कुछ अगर होगा तो काम की चीज़ें। बाकी इस वाले ड्रॉर में चेक करते हैं, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इस रोप को चलते हैं लेके गाइस यहाँ पे, और यहाँ विंडो पे नेल पे लगाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं फटाक से और जल्दी से नीचे चलते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। वो इधर एक डॉग हाउस है। ओ, मैं आगे मूव नहीं कर पा रहा। प्रेस द हाइट बटन दैट अपीयर्स ऑन द राइट। ठीक है, इसको प्रेस करते। ओ, हम लोग इससे छुप सकते हैं उस डॉग हाउस में। डॉग हाउस में एक छेद है, उससे हम लोग देख रहे हैं। और ये बाहर आ चुका है और आई थिंक ये अपने वैन में बैठने जा रहा है। और इसके पास कुछ हैंकी, अच्छा हैंकी नहीं, ये कुछ गिरा है इसके पास से। गाना कितना अजीब है इसका। और हमें लगता है इसे उठाना है, जल्दी से चलते हैं बाहर और उठाते हैं इसे। यस, इसे उठाते हैं। गो टू द वैन, प्लेस द मैप ऑन द वॉल। ठीक है, ठीक है। और ये इधर आ रहा है वैन के। ओ भाई, हमें वैन के अंदर जाना है। ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं काफ़ी देर से उनको पागल बना के आइसक्रीम वाले अंकल को। वॉल पे रखते हैं मैप को, देन वी टू क्लोज। ओ आई थिंक गाइस, हम लोग इस मैप से पूरे मतलब इसके वैन को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ले जाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं कैफेटेरिया कॉफ़ी पीने। नहीं, कॉफ़ी पीने नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा वहाँ पर। कैफेटेरिया से हमने स्टार्टिंग किया गाइस, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। नेक्स्ट स्टॉप कैफेटेरिया। यस, ओ यार गेट भी बंद हो गया। लोग मतलब भागने का कोई चांस ही नहीं है। और देखते हैं इसके वैन के अंदर तो कुछ नहीं है। मोटू तेरे वजह से फंसे हम लोग यहाँ पे। देखो सो रहा है आराम से। ओ ये तो जम गया था यार, छप पिघल गया थोड़ी देर में। उस टाइम शाम का टाइम हो रहा था, अभी रात हो चुकी है गाइस। दोनों में से कोई भी गेट नहीं खुल रहा। एक काम करते हैं, इस वाले गेट को खुल के अंदर चलते हैं और आगे की तरफ चलते थोड़ा। ओ भाई, अंदर आइसक्रीम अंकल है, आप लोग को दिख रहे होंगे। नहीं, ऑल राइट, तो हम लोग आइसक्रीम अंकल को पागल बना के अंदर आ चुके हैं विंडो से इस वाली, और चलते हैं अंदर। एक सेकंड, यहाँ कुछ है कैश रजिस्टर। यू डोंट हैव द कोड टू ओपन इट। ठीक है, हम लोग को इसे ओपन करना है गाइस। कोड हमारे पास है नहीं। और ये क्या है यहाँ पे? ओ ऑयल, इसका यूज़ होगा। एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं और इसे अपनी वैन में रख देते हैं, अपनी मतलब आइसक्रीम अंकल की वैन में, वरना हो सकता है वो हमें मार दे। ओ भाई, डस्टबिन में कुछ ऑप्शन आ रहा था आई का। अच्छा, वो सब बाद में करेंगे, पहले इसे रख के आते हैं, वरना हो सकता है वो हमें मार दे और ये यहीं पे पड़ा रह जाए। भाई वो उधर जा रहा है, उसे जाने देते हैं। वो अंदर गया, एक सेकंड। हाँ, वो अंदर चला गया, एक सेकंड, यहाँ से देखता हूँ। यस, वो यहाँ पर आ चुका है। हम लोग चलते हैं अपनी वैन की तरफ। और ये हम लोग आ चुके हैं गाइस वैन के साइड पे। यहाँ पे जल्दी से इसे ड्रॉप करते हैं। और गाइस, बिन पे आ रहा था इंटरैक्ट का ऑप्शन, तो हम लोग आ चुके हैं वही करने दोबारा से कैफेटेरिया के अंदर। और ये नहीं हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है। हो सकता है गाइस किसी ना किसी डस्टबिन में हो, कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, इसलिए ऐसा ऑप्शन दिया है। इसमें चेक करते हैं। अरे खुल जाए यार। अच्छा, खुलता नहीं। ओ भाई, कुछ कोड वोड निकला है, 4859। हमें लगता है इसमें कोड डालना है। ओ नहीं, हमें डालना नहीं है, डायरेक्ट खुल जाएगा इसी कोड से। आगे कुछ ड्रॉ टाइप का खुला है, उसके अंदर कुछ चमक रहा है।
लेकिन अगर मैं लेने गया और वो उधर से आ गया तो भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ मम्मी, 1 मिनट आ रहा हूँ बस। सॉरी गाइस, वो थोड़ी मम्मी थोड़ा मम्मी ने बुला लिया था इसलिए जाना पड़ा था। द नेक्स्ट टर्न विल बी जेसिका। ओ गाइस, ये कोई क्लू हो सकता है यार। जेसिका, हमें ये नेम याद रखना है जेसिका को। और विंडोज से आउट होते हैं थोड़ा। ओ भाई, आइसक्रीम अंकल यहीं पे, इन्हें पागल बनाते हैं गाइस। ये इधर आएंगे और हम लोग तुरंत जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे वैसे ही हम लोग विंडो से अंदर चले जाएंगे। यस, अब चलते हैं जल्दी से और वहाँ पे जो भी निकला था उसे निकाल लेते हैं। एक सेकंड, डॉलर से, ओ कॉइन से निकालना है हमें। कॉइन्स का क्या पता क्या यूज़ है यार, लेकिन उठा लिया है मैंने। और वो कोड का तो अब कोई काम होगा नहीं, वो कोड तो एक ही जगह पे काम होगा उसका। बाकी मैप में देखते हैं और चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्लेग्राउंड में। यस, प्लेग्राउंड नहीं, एक सेकंड, स्टॉल भी नहीं गया हमें, पार्किंग भी नहीं। ओ यार शिट, लाइफ लेफ्ट 2 यार, अब 2 लाइफ से बची है हमारे पास, ओनली 2। एक सेकंड, ये फ्रिज कैसे हिल रहा है? ओ आई थिंक हम ही लोग फ्रिज के अंदर है गाइस। यार हम लोग जमे नहीं इतनी देर से, ये कैसा फ्रिज है, कुछ है ही नहीं अंदर। ठीक है, ओ इधर एक कुछ खोलने का है गाइस, केबल्स। ओ आई थिंक इसको जोड़ने से ये डोर खुल जाएगा। और ड्रॉर में हो सकता है कोई टेप वेप रखी हो या कुछ तो रखा हो। यस, सेलो टेप, ओ वेल्डिंग टेप, ये कैसा टेप है? जो भी है गाइस इसे लगाते हैं जल्दी से और जल्दी जल्दी बाहर से। देख, काम करते बैठ के बाहर निकलते, शटर खुलने में टाइम लगेगा। और जल्दी से अपनी वैन में चलते हैं, क्या पता वो कहाँ पे है अभी। और वैन में बैठ के हम लोग जल्दी से चलते हैं प्ले ग्राउंड में, क्योंकि हम लोग वहाँ तक अभी नहीं गए हैं, मतलब अभी तक वहाँ नहीं गए हैं। और ये हमारी वैन निकल पड़ी है, नेक्स्ट स्टॉप प्ले ग्राउंड। और ये है प्ले ग्राउंड गाइस, काफ़ी डेंजरस है। ओ वहाँ पे एक JCB भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मतलब क्रेन। काम करते बाहर चलते, हो सकते हैं यहाँ कॉइन्स या फिर ऑयल का यूज़ हो, तो कोई एक चीज़ लेके चलते हैं। एक काम करते हैं, ऑयल लेके चलते हैं यार। आइसक्रीम अंकल, ओ भाई उसने देख लिया यार, काफ़ी चालाक है, ग्रैनी से ज़्यादा चालाक है। ऑयल हमने ले लिया गाइस, वो अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। एक काम करते हैं उससे इधर से इधर घुमा के ले आते हैं। यस, उधर चल गया। यहाँ पे एक, ओ भाई यहाँ एक होल है, यहाँ अंदर चलते हैं गाइस। सोचो अगर सामने से वो लॉक रहा और वहाँ से वो आ गया तो काफ़ी ख़तरनाक होगा ये। और नीचे कुछ सीवर टाइप है और यहाँ एक गेट है, ये खुलेगा क्या? यू मस्ट ग्रीस द गेट, इट कैन ऑलरेडी बी ओपन। ओ खुल गया। ओ गाइस, ये ऑयल हमें यहीं लगाना था, मुझे पता भी नहीं था, मैं ऐसे ही ले आया मतलब तुक्के तुक्के में। और यहाँ का कोई यूज़ भी है? यहाँ तो कोई सामान तक नहीं है। ओ इधर कुछ है, गैस स्टेशन। अच्छा, ओ इसके लिए तो हमें वो कैनिस्टर चाहिए होगा ना। ऑल राइट, काफ़ी देरों बाद हम लोग बाहर निकल चुके हैं, काफ़ी देर बाद, क्योंकि ये टनल काफ़ी लंबी। ओ यहाँ एक वेंडिंग मशीन है, बटन को प्रेस करते हैं, यू नीड सम कॉइन्स। ओ गाइस, कॉइन्स हमारे पास है, चलते हैं वैन के अंदर और लेके आते हैं, हो सकता है इससे हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। वैसे मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट होगा बस उसके अंदर से कोक की बोतल रखने की, और कोक की बोतल का हम लोग क्या करेंगे। बाकी कोई नहीं, एक बार देखते हैं कॉइन डाल के। अच्छा, कॉइन ऊपर डालना है और इस बटन को प्रेस करना है। अरे कुछ निकल भी जा। ओ गाइस, एक गन निकली, पेंट बॉल गन, 10 एमोज है इसमें, मारूँ क्या उसे? नहीं यार, एमो वेस्ट होगी झूठ मूठ का। अंदर चलते हैं और अब हम लोग चलते हैं, अभी तक हम लोग पार्किंग नहीं गए हैं, पार्किंग में चलते हैं गाइस। और उसके बाद जाएंगे स्टॉल पे। और ये हमारी वैन चल पड़ी है, नेक्स्ट स्टॉप पार्किंग। और ये, ओ भाई पार्किंग काफ़ी बड़ी लग रही है यार, अच्छा बेसमेंट में आई थिंक। आइसक्रीम, काम करते गाइस चलते हैं और आइसक्रीम अंकल को बेहोश कर देते हैं सबसे पहले, बेहोश कर देते हैं। यस, और बाकी आवाज़ आ रही है उनकी कहीं से, हेडफोन लगा के देखना आप लोग। वो अंदर एक कार है, इट इज़ लॉक्ड गाइस। वो कितना क्रीपी गाना गाता है। और ओ गाइस, वो ग्रैनी में जैसे रहता था वहाँ पे गन मारने वाला कहीं है, वही तो नहीं है? एक शॉट मारूँ क्या उस पर? ठीक है चलो, रिस्क लेते हैं हमें वेस्ट करने का। और ये मारा, ओ सच्ची में खुल गया यार, जल्दी से अंदर चलते हैं। इट सीम्स इट हैज़ नो फ्यूल।
अरे यार फ्यूल का सबसे ज़्यादा काम है। एक काम करते हैं हम लोग, कहीं से फ्यूल लेके आते हैं, लेकिन वो तो मतलब जहाँ पे पेट्रोल भरने का था वो तो कहीं और है। काम करते स्टॉल पे चलते, स्टॉल पे हम लोग अभी तक नहीं गए, हो सकता है वहाँ पे कोई कैनिस्टर मिल जाए, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। एक सेकंड गाइस, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे इसने हमें बंद किया था? ओ हाँ यार ये तो वही जगह है। काम करते सबसे पहले इसे बेहोश कर देते हैं, और ये लगा इसे, ये हो गया बेहोश। मेरा एम काफ़ी कच्चा है इस गेम में, मतलब पहला टाइम तो खेल ही रहा हूँ। इसे यहाँ ड्रॉप करते हैं गाइस और ढूंढते हैं कैनिस्टर को। वो सामने कुछ रेड कलर का है, हो जाए बस। ओ पेट्रोल कैन, यस कैनिस्टर नहीं कैन गाइस, ये खाली है आई थिंक, और हमें उसे ले जाके वहाँ प्लेग्राउंड से भरना है। पहले हम अपनी गन उठा लेते हैं यार, गन यहाँ पे अगर रह गई तो दिक्कत हो जाएगा। कहाँ गई गन हमारी? यस ये रही, पेंट बॉल गन। गए कोई शॉट गन देते 1 मिनट के लिए, वो बंदा बेहोश होता। वो अभी बेहोश है गाइज, वो मतलब हमारे साथ नहीं आ सकता अभी, तो वो यहीं पे छूट जाएगा, हम लोग वहाँ चले जाएंगे। यस ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर वैसे सस्पेंस नहीं, मतलब सस्पेंस नहीं, फिर वैसे गेम डरावनी कैसे बनेगी। और ये हम लोग आ चुके हैं गाइज प्लेग्राउंड में, और चलते बाहर की तरफ। एक सेकंड, यस अच्छा वहाँ पे वो है। ठीक है यार, इस मोटे बच्चे के वजह से इतना कुछ हो रहा है। पेट्रोल कैन को लेके चलते हैं उस पेट्रोल पंप के पास, और इस होल से चलते हैं। ऑल राइट गाइज, तो हम लोग आ चुके हैं इस होल से बाहर, मतलब टनल से बाहर, और जल्दी से इसे फिल करते A हैं। few moments later. ऑल राइट गाइज, 1 महीने बाद ये हो गया है। ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं इस टनल से बाहर, और चलते हैं अपनी वैन में जल्दी से वहाँ पे। चलते हैं गाइज, लेकिन एक काम करते हैं, अभी वहाँ पे नहीं चले गए, लेकिन एक बार मैं आपको, नहीं यार मेरा थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन है प्ले ग्राउंड को और ज़्यादा, तो पेंट बॉल गन भी ले लेते हैं अपने साथ, हो सकता है वो रास्ते में मिल जाए। और चलते हैं वहाँ पे मतलब आगे की तरफ। मुझे तो वो क्रेन देखनी है, वो क्रेन मुझे मतलब थोड़ा अजब, मतलब अजीब लग रहा है कि वो पार्क में क्रेन क्या करेगी। पहले इसे बेहोश कर देते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो सीसा वगैरह है। आगे की तरफ चलते हैं, बस आगे पैक ना हो। लो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बाकी स्क्रीन में ऊपर चढ़ने का रास्ता है, ऊपर चढ़ते हैं इससे। अंदर जा सकते हैं क्या इसके? ओ डोर था गाइज, इसे ओपन करते हैं, मतलब इसे क्लोज़ करते हैं फिर, और यहाँ पे एक ग्रीन बटन भी है, इसे प्रेस करते हैं। ये होगा क्या? ओ गाइज, हमें लीवर को ऐसे सेट करना है कि ये बटन काम कर जाए, लेकिन इससे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। काम करते हैं, इसे अप करते हैं, और इस वाले को डाउन करते हैं, इस वाले को डाउन करते हैं, अप करते हैं। इस वाले से होगा क्या? ओ हो गया गाइस, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। पानी के छींटे उड़े, ओ बाहर आइसक्रीम अंकल भी है, वो ज़िंदा हो गया लगता है। ओ बाहर निकल यार, अरे यार इस लीवर की वजह से हम लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, और बाहर उसने हमें देख लिया, वो ऊपर आ रहा है। लो ये काम करते हैं, ऐसे ऐसे शॉर्ट कर देते हैं। वो शेट पकड़ लिया इसने, शेट यार। ओ नो यू हैव बीन कैप्चर्ड, लाइफ लेफ्ट ओनली वन। इस बार में हमें कर देना है वरना लंका लग जाने वाली है। ठीक है बाहर की तरफ चलते हैं, और देखते हैं इस बार उसको जोड़ते दोबारा से। ओ ये तो जुड़ा हुआ है, अब क्या करना है? वो ड्रॉअर में हो सकता है कुछ और चीज़ें हों। नहीं यार इतनी ऊपर तो नहीं रखेंगे, वहाँ सकते हम लोग देख भी नहीं सकते। काम करते हैं इसके पीछे देखते हैं कुछ। ओह एक रग्बी बॉल, यस इसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है आई थिंक। बाकी वो इसे मारना था ऐसे, बाकी रॉड सामने है। चलते हैं आगे की तरफ, और आप लोग को लग रहा होगा गाइस इसे मतलब मुझे इसका नाम कैसे पता? पहले अंदर चलते हैं उसके बाद बताते हैं गाइस मुझे इसका नाम। ओ भाई यार ये बाहर ही है, मुझे इसका नाम इसलिए पता है यार क्योंकि 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 जब मैंने उसे बेहोश किया था तो उसमें लिखा हुआ था यू हैड रॉड, तो मुझे नाम इसका पता चल गया। इसका नाम है रॉड, काफ़ी फालतू सा नाम है यार। और ये देखो ये वाला रास्ता है गाइज जिसे हमने अनलॉक किया था, और इस मोटू के वजह से हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। ना खाता है कि इसे पकड़ेंगे ये ना यार। तो दोबारा से उसे पागल बना के गाइज हम लोग आ चुके हैं इधर रॉड को, और आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। और स्क्रीन के पास ही हमारा वो गन गिरा था, पेंट बॉल गन, तो जल्दी से उसे जाके उठाते हैं वहाँ से, और उस नए वाले रास्ते में चलते हैं जो कि यहाँ यहीं पे खुला है अभी। ये देखो ये वाला,
गाइस सोचो अगर वो वहाँ पे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हम लोग उसे घुमा देंगे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घुमा लूँगा, मैं संभाल लूँगा आराम से। और थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। गाइस मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है, काफ़ी देर हो चुका है काम। ओ इधर एक कुछ है, गार्ड जैकेट। ओ उसमें से कुछ निकला यार, कुछ चमक रहा है। एक काम करते हैं, पहले इसे बेहोश करते हैं, उसके बाद उसमें से जो भी मिला वो निकालते हैं। और ये इसका पट्टे से हेडशॉट बजा दिया हमने। और ये है क्या, ऑफिस की। गाइस ये कौन से ऑफिस की है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इधर इसे मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ है इस गेम में, तो इसे लेके चलते हैं बाहर की तरफ। हो सकता है गाइस, लेकिन बाहर की तरफ तो कोई ऑफिस नहीं है प्लेग्राउंड का। हो सकता है पार्क हो इसमें ऑफिस हो, लेकिन बाहर की तरफ कोई ऑफिस भी नहीं है। और अंदर तक मैं आया हूँ, मुझे अभी तक कोई ऑफिस मिला नहीं है ऐसे। काम करते से यहीं ड्रॉप करते हैं और जल्दी से अपनी गन लेके आते हैं, हो सकता है वो उड़ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा। तो हम लोग अपनी गन लेके आ चुके हैं गाइस, वैन में से ड्रॉप कर देते हैं और जल्दी से वो ऑफिस की की लेके आते हैं वहाँ से, बस वो सामने से ना आ जाए। यस ये उठाई ऑफिस की की, और ये चलते हैं हम लोग अपनी वैन के अंदर और जल्दी से चलते हैं गाइस पार्किंग में। और हो सकता है इस की का काम पार्किंग में हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मतलब शटर, हो सकता है उसमें से कोई एक शटर खुल जाए और उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए हमें। बाकी देखते हैं वहाँ पर चल के पार्किंग में। पार्किंग काफ़ी बड़ी जगह है गाइस, यहाँ पे हम लोग इसे अच्छे से घुमा सकते हैं, पर अगर फंस गया तो कभी। गाइस मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था और पता है मुझे क्या मिला, ये देखो नोटिस एम्प्लॉयज ओनली, इसमें ये की लग गई है। और हम लोग चलते हैं अंदर और इस वाले डोर को कर लेते हैं बंद और चेक करते हैं ड्रॉर्स को। एक सेकेंड लगता है वो बाहर है। वो अंदर क्या है, अच्छा स्लिंग शॉट। ओ स्लिंग शॉट यार, ऊपर वाले को भी खोलते हैं, इस वाले को भी खोलते हैं। बाकी इधर ड्रॉर्स है तीन, इसे खोला इसे खोला, और ये इसे भी खोलते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो इधर एक ब्रीफ केस है, यस ये ब्रीफ केस ही है गाइस, उसमें ढेर सारे आईडी कार्ड्स है, हो सकता है अच्छे उससे ही कुछ यूज़ हो। बेटा अंदर मत आ जाइए, मैं तेरे सिर्फ फाड़ दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। और ये देखो गाइस यहाँ ढेर सारे कार्ड्स है, और एमिली स्पाइंग हो सकता है। ओ जैसिका गाइस, जैसिका जो कैफेटेरिया में जिसकी वो ए प्रेम था जिसका, यस वही है। और चलते हैं बाहर, मुझे तो लग रहा है वो बाहर की तरफ। एक काम करते हैं चलते हैं उसे ठोक देते हैं, यस यहीं पे। और अभी दोबारा से गाइस 1 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा। एक सेकंड, अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया कि वो बेहोश हो गया। वो बेहोश नहीं हुआ गाइस, स्लिंग शॉट से बस वो थोड़ी देर के लिए घूमता है उसका सर। दोबारा घुमा देते हैं और इसे बाहर फेंक देते हैं और आईडी कार्ड लेके चलते हैं जल्दी से नीचे। ऑल राइट गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर और वैन में अपनी आ चुके हैं, और पेट्रोल कैन उठाते हैं और जल्दी से चलते हैं उस कार में पेट्रोल भरने। ऑल राइट गाइस काफ़ी देर बाद हम लोग भर लिए। ओ भाई देखो इसकी शक्ल, देखो मतलब शक्ल तो इसकी दिख नहीं रही है गाइस, ये पूरा नूबिता है। इस गेम में हमारा नाम तक हमें नहीं पता है, वाह काफ़ी अजीब गेम है। अरे यार नाम तो बता देते। एक तो ये कार मेरे से चल नहीं रही, ऊपर से ये बंदा मुझे अजीब लग रहा है। चलो कोई नहीं चला लेते हैं। और एक सेकंड, ओ गाइज ये ठोक के टूट गया, हमें इसे ही तोड़ना था क्या। काम करते हैं इसके अंदर चलते, इसके अंदर एक शटर है जो कि मैं बोलने ही वाला था यार नहीं खुलेगा, लेकिन नहीं खुल गया। ओ यहाँ पे एक वायर है यार, और ऊपर से यहाँ ज़मीन टूटी हुई है और उसके ऊपर वो है। मैंने इस तरह की गेम्स काफ़ी खेली है, हो सकता है हमें कोई कैची लानी है और इस वायर को काटना है ताकि वो जो ऊपर वाला सामान है वो नीचे गिरे और वो फ्लोर जो थोड़ा सा क्रैक हुआ है वो पूरा टूट जाए। तो जल्दी से जल्दी नीचे चलते हैं अपनी वैन के अंदर। और अपने पास ऐसी कोई सीजर्स टाइप चीज़ तो है नहीं, तो देखते हैं ढूंढने से हो सकता है मिल जाए हमें। बाकी चलते हैं अभी जल्दी से उधर, क्या नाम है उस जगह का, कैफेटेरिया, यस कैफेटेरिया चलते हैं गाइस, क्योंकि हमें जेसिका का आईडी कार्ड मिल गया। और उस वहाँ पे जो फर्स्ट वाला डोर था जिससे हमें फर्स्ट ने मतलब हमने फर्स्ट टाइम चेक किया था, तो उसमें कोई कार्ड मांग रहा था, यस यही वाला। तो इसे जल्दी से ओपन करते हैं उस आईडी कार्ड से, क्योंकि ये बस आईडी कार्ड से ही खुलता है। और यस हम लोग बाहर आ चुके हैं इसे लेके। एक सेकंड, ओ यहाँ पे लगाना था और ये डोर खुल चुका है। एक सेकंड, इस फालतू से रूम के लिए हम लोग आए गाइस, ये वही वाले डोर से जो बाहर से नहीं खुल रहे थे। काम करते हैं इसके अंदर चलते हैं, एक सीक्रेट रास्ता है यहाँ पे, उतना भी सीक्रेट नहीं है, थोड़ा सा सीक्रेट है। और ये बाहर वाला डोर गाइस जो उस साइड से एक्सेस नहीं हो रहा था ऐसा दिखा रहा था इसमें। गाइस मैं काफ़ी देर से ढूंढा ढांडी कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। वो यहाँ कुछ शाइन कर रहा है,
कैफेटेरिया स्टोरेज की। ओ स्टोरेज तो वहाँ है ना गाइज, क्या नाम है उस जगह का, पार्किंग में ढेर सारे स्टोरेजेस है और एक मैंने उसमें से देखा था कि बाकी सारे डार्क है लेकिन वो लाइट है। अगर हो गया ना यार काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बाकी तो इसने अभी देख लिया, इसलिए अभी पागल बनाते हैं। ऑल राइट गाइज, जैसे हमने पागल बना दिया और हम लोग चलते हैं जल्दी से पार्किंग में। और गाइज अगर वो हो गया जो मैंने बोला तो मज़ा आ जाएगा। मैं बार बार उसे क्यों रेड कर रहा हूँ। यस इधर पे ही वो गेट था गाइज। यस ये वाला, वो लग गई इसमें। अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर क्या है? एक सेकंड, ये है क्या? वो प्लायर्स है। बाहर की तरफ चलते हैं। ओ शिट, लो गाइज गेम ख़त्म, लाइफ एक सेकंड। गाइज हमारे पास और एक लाइफ है, मुझे लगा था एक बार में ही ख़त्म, जीरो वीरो कुछ नहीं होगा। ओ लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, ढूंढते अगर कुछ मिल जाए तो। इस रग्बी बॉल से कुछ होगा क्या? ऐसे यहाँ पे फेंकते हैं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उधर है क्या कुछ कोने में? यस यहाँ एक क्रोबर है यार और नेल्स। यस लास्ट वाला निकाला गाइस मैंने। और विंडो से चलते हैं बाहर और जल्दी से चलते हैं गाइज अपनी वैन में। और मुझे तो लगता है अब गेम कंप्लीट हो ही चुकी है, बस हमें उस प्लायर से उस वाले वायर को काटना है और बाकी वो लाइट नीचे गिरेगा, फ्लोर टूटेगा। जल्दी से चलते हैं पार्किंग। ऑल राइट सो हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं। अरे जल्दी रुक ले यार, खुद तो घूमता फिरता है खाली। और यस यहाँ से अंदर चलते हैं। क्रोबार का कुछ काम तो है नहीं अब, वो वहीं से एस्केप करने के लिए था। बाकी प्लायर्स उठाते हैं गाइज और जल्दी से चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे हमने वो कार से वो वाला तोड़ा था। यस जल्दी चल रहे यार, दोस्त को बचाने का सवाल है। ओ यहाँ तो फिर से पैक हो गया यार ये, और डोर भी बंद हो गया, मतलब शटर भी बंद हो गया। ये तो टूट गया, ये खुलेगा? ओ यस ये खुल गया। ओह हम एक बार मरे ना गाइज, इस वायर को काटते जल्दी से। जो मैंने कहा था वो ही बात, आज मेरा लक काफ़ी अच्छा है। हम लोग नीचे आ चुके हैं गाइस, मुझे तो लग रहा है वो भी आ रहा है हमारे साथ नीचे। तब तक इस डोर को खोलते हैं गाइस। और ये ओह यहाँ पे और एक है कुछ डोर, ओ केज की आई थिंक यही है। यस गाइस केज की हमें मिल गई, हमें बस उस मोटू को आज़ाद कराना है वहाँ से। रॉड तू अंदर मत आना यार, तेरा पैर वैर टूट जाएगा यार, मत आया। लेकिन वो आएगा तो हम लोग इस वाले शटर से बाहर निकल सकते आई थिंक। आजा आजा, ओ यार शटर लॉक है भाई, मत आइयो यार प्लीज। लैडर को इधर करते हैं गाइज और जल्दी से चलते हैं ऊपर की तरफ। वो ऊपर है तो नहीं ना? नहीं है तो नहीं फिलहाल। अरे ऊपर चढ़ ले। यस ऑल राइट हम लोग आ चुके हैं गाइज और इस जल्दी से इसे खोलते हैं। यू हैव टू ट्रेवल नेबरहुड, ओ नेबरहुड जाना गाइज, जल्दी से चलते नेबरहुड, हो सकता है वो हमें पकड़ ना दे। बस जल्दी से चलते हैं नेबर हुड यार, अब वो फ्री हो जाएगा। ओ ये क्या? अच्छा ये खुद से खुल रहा है गाइज, और मोटू बाहर आ गया है, इतनी देर से बैठा। ओ हड्डियाँ भी अकड़ गई है इसकी, ये देखियो। एक सेकंड यार चल रहा, ओ इतना शैतान बच्चा तो पहले क्यों उसके पास गया? कैसा था है यार ये देखो कैसे कर रहा है। ओ चोर गाइज, इसने उसका मिक्सर भी चुरा लिया। कोई बात नहीं, इसने हमें दे दिया है और ये गेम कंप्लीटेड। तो बस गाइज आज के इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो में हम एम करते हैं ओनली 5 लाख का, तो जैसा कि हमेशा मैं करता हूँ तो कर देना, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी 35 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 40 करवा दो जल्दी से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.